यूपी टीवी न्यूज पर आज देखिए, फरुखाबाद के नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 के वासियों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। वार्ड नंबर 5 के वासियों ने स्लोगन लिखकर कहा है कि बिजली, पानी और रोड नहीं तो किसी भी प्रत्याशी को कोई भी वोट नहीं। मोहल्ले की महिलाओं ने स्लोगन लिखकर जगह जगह बैनर लगा दिए हैं। मोहल्ले की महिलाओं का आरोप है कि बिजली, पानी और रोड की समस्याओं से मोहल्लेवासी बरसों से जूझ रहे हैं। फरुखाबाद के जनप्रतिनिधियों से लेकर आला अधिकारियों तक मोहल्लेवासी ने लगातार कई बार गुहार लगाई है, लेकिन उसके बाद भी उनकी समस्याओं को नहीं सुना गया, जिसके बाद बिजली, पानी व रोड न होने से मोहल्लेवासी परेशान दिखाई दे रहे हैं। पूरा मामला फरुखाबाद के थाना कादरी गेट क्षेत्र के भूपतपट्टी वार्ड नंबर 5 का बताया जा रहा है, जहां नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 के वासियों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। मोहल्लेवासियों का आरोप है जनप्रतिनिधियों से लेकर अधिकारियों तक समस्याओं को लेकर कई बार अवगत कराया गया, लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि ने इनकी समस्याओं को नहीं सुना है, जिसके बाद वार्ड नंबर 5 के वासियों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से कुछ मोहल्ले की महिलाएं सड़क पर आकर बिजली, पानी और रोड नहीं के स्लोगन लेकर विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही हैं। खैर, अब आगे देखने वाली बात होगी कि मौके पर कौन से जनप्रतिनिधि या आले अधिकारी इनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए पहुंचते हैं। क्या नाम है आपका? आपकी क्या क्या समस्या? आपने यहाँ से अपने गांव में प्रत्याशी को जो मोहल्ले में आने से मना कर दिया, क्या समस्या? हमारी समस्या सबसे ज्यादा रोड की है, यहाँ पानी भर जाता है, उसकी वजह से हम लोग निकल नहीं पाते। हमारे यहाँ कोई मृत्यु तो हो जाती है, उससे लान में ले जाने और ले आने में दिक्कत होती है। अच्छा, कितने सालों से आपके यहाँ ये समस्या बनी हुई है? कम से कम 25 साल। नगर पालिका के जो बसपा प्रत्याशी हैं बसला अग्रवाल, वो तो तीन बार रह चुके हैं। हाँ, तो उनसे शिकायत पहुँचाई, उन्होंने कोई कोशिश नहीं की। वो आपके यहाँ वोट मांगने आए थे अभी? नहीं, अच्छा, पहले जब आए तब पहली बार आए थे। अब क्या मांगे हैं आपकी? मांगे हमारी ये है रोड निकल जाए, हमारी लाइफ, उसके बाद वोट देंगे। हाँ।